हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको LAN वर्सेस DUR का एक बेहतरीन जानदार टीम आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर टीम क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ दोनों टीमों की मैं बात करूँ तो दोनों टीमें एक मजबूत टीम है, कोई भी इस मैच को जीत सकता है। ऊपर से ये T20 है तो कोई भी यहाँ पे जीत सकता है, कभी भी गेम पलट सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेयर बता देता हूँ कौन कौन से प्लेयरों के साथ आप जा सकते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी बता दूँगा कि कैसे वह इस समय खेल रहे हैं, किस तरह से इस समय फॉर्म में है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप देखिए, विकेट कीपर मैं यहाँ पर दो ले कर चल रहा हूँ। यहाँ पर बता दूँ कि मैंने पहला प्लेयर यहाँ पे डी विलास को लिया है। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पिछला मैच बहुत ही ख़राब था, 0 पे आउट हो गए थे। उससे पहले 44-31 रनों की पारी खेले थे, तो मेरे हिसाब से इनको आप ले सकते हैं। एक मैच तो किसी का भी ख़राब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं डी विलास। फील्डर भी ठीक ठाक हैं, आपको फील्डिंग से भी स्टम्पिंग से भी आपको यहाँ पॉइंट दिला देंगे, तो मेरे हिसाब से आप इनको ले लें तो ठीक है। यहाँ बात करूँ ए डेविस की, तो इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं है। मैं लास्ट के 3 मैचों की बात करूँ तो ये 2, 5 और 18 पे आउट हो चुके हैं। उससे पहले इन्होंने 36 रन और 82 रनों की पारी भी खेले हैं, तो आप इनको भी चाहे तो रख सकते हैं। देखिए, बल्लेबाजी भी करने आते हैं, इनकी फील्डिंग बहुत ही अच्छी है, कैच और स्टम्पिंग तो बहुत ही अच्छा करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनको भी रख सकते हैं अपनी टीम में, कुछ पॉइंट तो आपको दिला देंगे। तो 2 विकेट कीपर हैं यहाँ पर, यदि आप चाहिए तो एक ही विकेट कीपर लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 विकेट कीपर लेके चलें तो ठीक है। यदि यहाँ पे 1 विकेट कीपर लेके चलते हैं तो आपको ऑलराउंडर में भी एक ऑप्शन मिल जाएगा जो अच्छा पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ए डेविस की बात करूँ तो, क्योंकि ये अच्छी तरह फॉर्म में नहीं है, लगातार 3 मैच फ्लॉप हुए हैं, तो मैं इनको हटा के डी विलास को ही लेना पसंद करूँगा यहाँ से विकेट कीपर पर। बल्लेबाजी की बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, बैट्समैन में मेरे 3 ऑप्शन जो मेरे हिसाब से फिट बैठते हैं यहाँ पर। देखिए, एलिस एक बेहतरीन जानदार, मैं कह सकता हूँ ये बेहतरीन बल्लेबाज हैं। देखिए, पिछले मैच में इन्होंने 14 रन की पारी खेली है, उससे पहले 15 और उससे पहले 77 रन की पारी खेली है, तो ये 30-35 रन ये बना देते हैं, आपको अच्छा पॉइंट दिला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनको भी लेके चल सकते हैं। DUR की तरफ से खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। वहीं DUR की तरफ से आपको मिल जाएंगे जी क्लार्क, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, 28-35-45-68 रन बना देते हैं, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो आप इनको भी यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक ठाक प्लेयर हैं। देखिए, तीसरे प्लेयर मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे आर जोम्स, इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है इस समय इनकी बात करूँ तो। देखिए, 38 रन पिछले मैच में इन्होंने 8 रन की पारी खेली है, उससे पहले 38 रन की पारी खेले थे, या तो आप इनको ले सकते हैं या तो यहाँ पे देख सकते हैं बेडिंगन आपको मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से इनको भी आप रख सकते हैं। देखिए, इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये 7, 9, 0 और 27, मतलब लास्ट के चौथे मैच में इन्होंने 27 रनों की पारी खेली थी, तो मेरे हिसाब से आप आर जॉन्स के साथ ही जाइए, बेहतर होगा। यहाँ पे बेडिंगन थोड़े से आउट फॉर्म हैं, तो मेरे हिसाब से आप उनको मत लीजिए। यहाँ पे LAN के प्लेयर आर जॉन्स के साथ जाइए, बहुत ही अच्छे VB प्लेयर हैं, आपको कुछ पॉइंट दिला देंगे। ऑलराउंडर की बात करूँ तो मैं अभी यहाँ पे 3 लिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऑलराउंडर यहाँ पे 4 लेके चलूँ तो ठीक पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे LLivingstone, मतलब इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, 4 मैच खेले हैं, नहीं 3 मैच खेले हैं, बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में इन्होंने 69 रन की पारी खेले थे और 1 विकेट भी लिए थे, ये जितना खेले हैं उतने में विकेट इनको मिला है, तो आप इनके साथ तो ज़रूर जाइएगा, इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप रख सकते हैं यहाँ से, बहुत ही जानदार प्लेयर हैं। यहाँ बात करो दूसरे ऑलराउंडर की, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं एस्क्रॉफ्ट को भी आप यहाँ पर ले कर चल सकते हैं, इन्होंने लास्ट मैच में 8 शतक दौड़ा है, तो मेरे हिसाब से आप इनको भी यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए, ये विकेट भी निकाल लेते हैं, लेकिन लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिला था, तो मेरे हिसाब से इनको लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि 58 रन की पारी खेले थे और उससे पहले इनको विकेट लगातार मिला हुआ है और अच्छी रन भी बनाए हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनको भी यहाँ पर पिक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ बात करूँ DUR की तरफ से खेलते हैं पी कॉगलिंग, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। देखिए, ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों ये भी कर लेते हैं और इस समय फॉर्म में भी हैं, पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया है और रन थोड़े से कम इनके हैं,
एक मैच में 4 रंग, एक मैच में 4 रंग, लेकिन विकेट इनको लगातार मिला है 2-2, और एक ही मैच में केवल इनको 1 विकेट मिला है। तो आप सोच सकते हैं ये 4 मैचों में कुल मिला के 8 विकेट लिए हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनके साथ जा सकते हैं। देखिए चौथे प्लेयर की, जैसे मैंने कहा था कि ऑलराउंडर में 1 विकेट कीपर कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन आप मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बी कार्स आपको मिल जाएंगे, ई भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे बी रैन को आप ले सकते हैं, ई भी एक जानदार प्लेयर हैं, तो आप इन दोनों के साथ यहाँ पे थोड़ा सोच समझ लीजिए किन के साथ जाना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप इन्हीं के साथ जाइए। कार्स की इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। बैटिंग और बॉलिंग ई भी कर लेते हैं, आपको कुछ पॉइंट ई भी दिला सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से विकेट कीपर की तौर पर जा भी सकते हैं। यहाँ बॉलिंग की बात करूँ तो 3 यहाँ बॉलर मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर ले कर चलें। एम पार्किंसन को आप ले लीजिए, क्योंकि इनकी फॉर्म भी बहुत ही अच्छी है, पिछले मैच में भी ये विकेट पाए थे और उससे पहले इन्होंने 3 विकेट निकाला था, तो मेरे हिसाब से आप इनको ज़रूर रख लीजिएगा अपने टीम में, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इनकी बात करूँ एन रिमिंगन की, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, ये भी लगातार विकेट निकाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनके साथ भी यहाँ से इनको ज़रूर पिक कर लीजिएगा, अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ बात करूँ देखिए, यहाँ पर आपको DUR की तरफ से मिल जाएंगे टेवस्किस, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये भी आपको 2-2 विकेट हर मैच में निकाल रहे हैं, पिछले मैच में लगातार 3 मैच में ये 2-2 विकेट निकाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनको ज़रूर रख लीजिएगा अपने टीम में। यहाँ पे आपको नीचे भी मिल जाएगा एक ऑप्शन, यहाँ पे एम्पॉट्स, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इनके साथ आप जाना पसंद करते हैं, या इसमें से कोई एक नहीं खेलता है तो आप ड्रॉप करके इनको ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं इन्हीं के साथ जाना पसंद करूँगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो मैं साफ कहा था कि मैं यहाँ पे लिविंग स्टोन के साथ जाऊँगा, और यहाँ पे आपको एस्क्रॉफ्ट के साथ जाऊँगा। देखिए एस्क्रॉफ्ट पिछले मैच में 50 रन की पारी खेले थे, 58 रन की पारी खेले थे, एक अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो मेरे हिसाब से एस्क्रॉफ्ट को आप यहाँ पर वाइस कैप्टन ले सकते हैं। और लिविंग स्टोन की तो बात ही मत कीजिए, ये कितने 3 मैच लगातार खेले हैं, तीनों मैच में मेन प्लेयर रहे हैं, दोनों किसी भी टीम के साथ खेले हों तो क्या हुआ, तो इनको आप ज़रूर लेके चल सकती हैं। मैं आपको टीम प्रीव्यू आपको दिखा देता हूं, देखिए इस टीम के साथ आप यहां पे जा सकते हैं, ये टीम मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे एक वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।